Hello guys, this is Sabine Ansari right here and welcome to my YouTube channel Learn with Sabine Ansari. Please share, like and subscribe to my YouTube channel. So, आज की इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स गिवन हो u एंड v. So let's get started. We know that the equation of streamlines are given by dx divided by u and dy divided by v. अब हमारे पास अगर हम अपने equation में देखें तो हमारे पास यहाँ पे u की भी value given है, v की भी value given है. हम इसको इसमें put करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की equation बनेगी. dx divided by u की जगह उसकी value 2x, dy divided by v, v की जगह उसकी value 3 minus 2y. अब हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी वाई. हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा. ऑन इंटीग्रेशन तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी इंटीग्रेशन, 3 माइनस 2y d ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x d ऑफ y. देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन है 3 का विद रेस्पेक्ट टू dx, 3 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx हो जाएगा 3x. इसी तरह से हमारे पास 2y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx हो जाएगा माइनस का 2xy. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 2x गिवन है, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dy हो जाएगा हमारे पास 2xy प्लस c. यहाँ c हमारे पास जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 2xy माइनस 2xy इज इक्वल्स टू c. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2xy माइनस का 2xy बन रहा है माइनस का 4xy इज इक्वल्स टू c. देखिए ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन. सो दोस्तों इतना आसान था कि हमारे पास जब u की वैल्यू गिवन हो, v की वैल्यू गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करके इंटीग्रेट करके हम अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन को मालूम कर सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माय चैनल.